बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर इस सदन में प्रदान किया, इस बाबत मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सरकार इतने गाजे बाजे के साथ और बजट में की हुई तमाम घोषणाओं के साथ आगे बढ़ रही है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जरूर सरकार सुनिश्चित कर ले कि पिछले कार्यकाल में आपने बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आवंटित जो सरकारी पैसे में बंटर बात किया है वो ना होने पाए, और अगर हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पहले जरूर सुनिश्चित कर ले। कुंभ के नाम पर लगातार पैसा सरकार दे रही है, लेकिन मेरी विडंबना यह है और मैं ये नहीं समझ पा रही कि वहां पर कौन सा ऐसा सन्यासी है, कौन से ऐसे साधु संत हैं, कौन से ऐसे अखाड़े के पांडाल हैं जो वहां पर सरकारी पैसे पर रहते और खाते हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। मैं नेता सदन से पूछना चाहती हूं कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी साधु संत अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं और आपसे भली बात ही कोई नहीं जानता कि आस्था दिव्यता का प्रतीक होता है, और आप उस दिव्यता को भव्य बनाने के नाम पर अरबों खरबों पैसे देने का काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। चलिए दे दिया, मान लेते हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए कि आपने जो ये अरबों खरबों पैसा कुंभ के नाम पर दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के नाम पर दे रहे हैं, इसका बंदरबाट ना होने पाए, इसकी लूट ना होने पाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे?